हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हॉकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये है ड्रैगन बॉल हॉकाई का चैप्टर 37। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम ब्रॉली और वेजिटा को देखते हैं। ब्रॉली पावर अप करके काफ़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ आ रहा होता है। ब्रॉली को गुस्सा दिलाने के लिए वेजिटा ने चिलाई और लीमो को मार दिया होता है, जिसके वजह से ब्रॉली का एंगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ब्रॉली की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रॉली देखते ही देखते एकदम से वेजिटा के पास आ जाता है। जैसे ब्रॉली वेजिटा से टकराता है, एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन एकदम से चटकने लग जाती है और ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ब्रॉली वेजिटा से काफ़ी तेज़ी से टकराया हुआ होता है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में यह रिवील हो जाता है कि ब्रॉली का इतना ज़बरदस्त अटैक बिल्कुल ही बेकार हो जाता है वेजिटा के सामने। हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी आसानी से ब्रॉली के उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वेजिटा ने अपने दोनों हाथों को सामने लाकर खुद को बचा लिया होता है। वेजिटा बोलता है कि ब्रॉली, क्या कोई दिक्कत है? अपने अटैक का इतना कम इम्पैक्ट देखकर ब्रॉली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि ब्रॉली, तुम्हें क्या लगा, क्या इतना पावर अप काफ़ी होगा मुझे हराने के लिए? अगर तुम्हें प्रिंस को हराना है तो तुम्हें इससे भी कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। ये बोलते हुए वेजिटा एकदम से एक ज़ोरदार पावर अप करता है। वेजिटा का ये पावर अप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वेजिटा के इस पावर अप से ब्रॉली उड़ गया रहता है। वेजिटा बोलता है कि तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ ब्रॉली। वेजिटा के इस पावर अप से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि ब्रॉली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ब्रॉली काफ़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा होता है, पर जैसे ही ब्रॉली खुद को संभालता है, वैसे ही ब्रॉली एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है वेजिटा के ऊपर अपने तरफ। इस तरीके के एनर्जी अटैक को वो भी इतनी जल्दी आता देख वेजिटा थोड़ा सा हैरान रह जाता है, पर वेजिटा को पता होता है कि आखिर उसे क्या करना है। वेजिटा उस अटैक को देखकर ब्रॉली से बोलता है कि ब्रॉली, क्या तुम्हें बस इतना ही दम है? आखिर तुम्हारी ताकत कहाँ पर है? ये बोलते हुए वेजिटा एकदम से चिल्लाने लग जाता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि आखिर वेजिटा क्या करने वाला था। वेजिटा एकदम से उस अटैक के डायरेक्शन को मोड़ देता है। वेजिटा का एक पंच ही काफ़ी होता है उस अटैक के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अपने तरफ इतना बड़ा एनर्जी अटैक आता देख ब्रॉली भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ब्रॉली ने सोचा नहीं था कि वेजिटा उसे इस तरीके का मूव दिखाएगा। यह एनर्जी अटैक देखते ही देखते ब्रॉली के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बैटल में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर भी बैटल बिल्कुल सेम तरीके से चल रही होती है। गोकू के सामने एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉम्ब आ चुका होता है। यह एनर्जी बॉम्ब का साइज इतना बड़ा होता है कि गोकू उस एनर्जी बॉम्ब से ही घिर जाता है, पर इसके बावजूद गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल करके उस अटैक को डॉच करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। इस एनर्जी अटैक को यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से इस तरीके के अटैक को देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि उन्होंने इस तरीके का अटैक मेरे ऊपर शूट कर दिया, वो भी बिना ज़्यादा कोशिश किए। वाकई में तुम तो इनक्रेडिबल हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 12 के। तुम्हारा जो कंट्रोल है पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर, वो तो एक अलग ही लेवल पर है, और इस चीज़ को मैं मानता हूँ। गोकू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि मेरा इतना पावर देखने के बावजूद क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ बस ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो? गोकू बोलता है कि नहीं, ये ट्रेनिंग के लिए नहीं था, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि लिए मैं यूनिवर्स 6 की रक्षा करना चाहता हूँ और साथ ही मैं दूसरे यूनिवर्सेस को भी बचाना चाहता हूँ और साथ ही मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और ताकतवर बन के उन सेलेस्ट्रियल मेज का फिर से सामना करना चाहता हूँ। गोकू के इस जवाब को सुनकर यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि उसने गोकू को इतना सारा अकलमंद नहीं समझाता जितना गोकू एक्चुअली में है। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ हो, पर फिर भी मुझे तुम्हारी ये बेवकूफ़ी अच्छी लगी। जैसे यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ये सेंटेंस खत्म होता है, वैसे गोकू कुछ नोटिस करता है। गोकू बोलता है कि आखिर तुमने अपने की को रिड्यूस क्यों कर लिया? तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, मैं काफ़ी देर पहले ही देख चुका हूँ जो मुझे देखना था।
तभी गोकू बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि मैंने इस फाइट की शुरुआत इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा डिटर्मिनेशन देख सकूँ, साथ ही में मैं ये भी डिसाइड कर सकूँ कि आखिर तुम्हें टाइम मशीन देनी है या नहीं। इस बात को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि तो इसका मतलब फाइट के शुरुआत से ही तुम रेडी थे मुझे टाइम मशीन देने के लिए, पर तुमने बैटल के शुरुआत में किसी तरीके के रूल्स के बारे में बात की थी। क्या टाइम मशीन का इस्तेमाल करना गॉड रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, गॉड्स के रूल्स को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इस तरीके का सिचुएशन अभी है, इस सिचुएशन में हमें जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का। इस यूनिवर्स में होने के बावजूद मैंने तुम्हारे पावर को महसूस किया था जब तुम ओडुसू के खिलाफ लड़ रहे थे, और मैंने उस वक्त ये महसूस कर लिया था कि तुम्हारा पोटेंशियल सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सबसे ऊपर है, और आने वाले बैटल के लिए तुम्हें अपने इसी पोटेंशियल को अनलॉक करना है ताकि तुम अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस बैटल में लड़ो। जैसे यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ये सेंटेंस खत्म हो जाता है, वैसे गोकू एकदम से पावर डाउन कर लेता है और गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे इंसान निकलोगे, थैंक यू वेरी मच। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हें मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बात अच्छे इंसान होने की नहीं है, यहाँ पर बात है जिंदा रहने की। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 12 की एंजल से बोलता है कि इसे सुप्रीम काई के प्लेनेट तक लेकर जाओ, और सुप्रीम काई को ये भी बता देना कि इसे सिखाने के लिए कि मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और फाइनली मशीन को यूनिवर्स 6 में लेकर जाने देना इन्हें। उसके बाद सुप्रीम काई को यहाँ पर बुलाना कि वो मेरे प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को ठीक कर सके। गोकू और यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई की वजह से प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, हर तरफ से पानी लीक हो रहा होता है। इसे ही ठीक करने के लिए यूनिवर्स 12 के सुप्रीम काई को यहाँ पर आना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम वीज के स्टिक के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बीरज और वीज इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। टा और ब्रॉली बारी बार आसमान में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वीज बोलता है कि जैसे जैसे ब्रॉली का पावर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस फाइट की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तभी बीरज बोलता है कि वेजिटा, क्या वो करना ज़रूरी था बेवकूफ़? इसके बाद हमें एक और ज़ोरदार इम्पैक्ट दिखता है इसके नेक्स्ट पेजेस में। ये रिवील हो जाता है कि आखिर ये इम्पैक्ट इसके ऊपर हुआ था, ये इम्पैक्ट हुआ था वेजिटा के ऊपर। ब्रॉली के एक अटैक की वजह से वेजिटा लगातार हवा में उड़ता जा रहा होता है, और ब्रॉली उसका यहाँ पर भी पीछा कर रहा होता है। देखते ही देखते ब्रॉली काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है वेजिटा के, और ब्रॉली एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है वेजिटा के ऊपर। और जैसे ही ब्रॉली वेजिटा तक पहुंचता है, ब्रॉली एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटा को। इतना ज़बरदस्त पंच खाने के बावजूद वेजिटा के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है, और मौका पाते ही वेजिटा भी एक ज़बरदस्त अटैक करने में कामयाब हो जाता है ब्रॉली के ऊपर। वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है ब्रॉली को, जिसकी वजह से ब्रॉली के मुंह से खून निकल रहा होता है, और ब्रॉली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है। वेजिटा सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता, वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिला देता है और वेजिटा एकदम से ब्रॉली के ऊपर आ जाता है, और वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है ब्रॉली के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रॉली सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है। ब्रॉली के ज़मीन से टकराने पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। वेजिटा ब्रॉली के इस हालत को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो ब्रॉली? अगर तुम बस इतना ही कर सकते हो तो तुम मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाले हो। अगर एक बारी तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें वहां पर भेज दूंगा जहां पर मैंने उन कीड़ों को पहुंचाया था। ये बोलते हुए वेजिटा एकदम से अपना हाथ ब्रॉली की तरफ करता है, और ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा इस लड़ाई को ख़त्म करने वाला है। ब्रॉली काफ़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा रख पा रहा होता है। ब्रॉली को अपने दोनों दोस्त याद आ रहे होते हैं, जिसे वेजिटा ने मार दिया, चिलाई और लीमो। वेजिटा एकदम से अपना पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर देता है। वेजिटा का ये अटैक जमीन से टकराते ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वेजिटा को ऐसा लग रहा होता है कि ब्रॉली इस बैटल को हार चुका है। वेजिटा बोलते हैं कि मैंने तुमसे और ज़्यादा की उम्मीद की थी ब्रॉली। पर तभी वेजिटा की तरफ एक हाथ आता है, जो हाथ एकदम से वेजिटा के चेहरे को जकड़ लेता है, और यह हाथ होता है ब्रॉली का। ब्रॉली अभी तक हारा नहीं होता, और ब्रॉली ने एक ही बार में वेजिटा के चेहरे को जकड़ लिया होता है, पर इतने बुरे हालत होने के बावजूद वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है, और वेजिटा अब भी हंस रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि मैं तो इसी बारे में बात कर रहा था ब्रॉली। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्स 6 में आ जाते हैं।
जहां पर गोकू यूनिवर्स 12 से यूनिवर्स 6 में आ चुका होता है टाइम मशीन को लेकर, और गोकू अब तैयार हो चुका होता है पास्ट में वापस जाने के लिए कि एंजल जिस चीज़ को देखकर यूनिवर्स 6 की सुप्रीम काई बोलती है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी लॉर्ड गोकू, उम्मीद है कि आपका सफ़र अच्छा रहे। गोकू जाते वक्त बोलते हैं कि बाय मिस लिया और सॉरी, क्योंकि मैं अब यूनिवर्स का सारा काम तुम्हारे हाथों के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। तभी मिस लिया बोलती है कि हाँ चलेगा, और वैसे भी आप इतना ज़्यादा काम तो करते भी नहीं हो, सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है। गोकू बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तभी वाडोस बोलते हैं कि लॉर्ड गोकू अपना ध्यान रखना और हमेशा एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के नेचर को याद रखना, सिचुएशन कुछ भी हो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा मत करना। गोकू बोलते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ये बोलते ही गोकू का टाइम मशीन एकदम से गायब हो जाता है और वहाँ पर से मिस लिया और वाडोस रह जाते हैं, और गोकू जा चुका होता है पास्ट में जहाँ पर वो प्लैनेट वेजिटा को देखेगा और अपने फादर और मदर से मिलेगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।